नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिनसेंग। तो मैं आज आपको इसके 7 प्रूवन इफेक्ट बताऊंगा, बेनिफिशियल इफेक्ट, यानी कि 7 प्रकार के ये हमारी बॉडी में हमें फायदे पहुँचाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनसेंग का जो खास तौर पे यूज़ किया जाता रहा है वो उसकी जड़ से यूज़ किया जाता रहा है, जड़ से उसकी दवाइयाँ बनाई जाती रही हैं और उसी जड़ का उपयोग होम्योपैथी में भी मदर टिंचर बनाने के लिए किया जाता रहा है। अब होम्योपैथी में यदि हम इसके हेड के सिम्टम्स की बात करते हैं तो जिन लोगों में थकान बहुत ज़्यादा रहती है उन लोगों को जिनसेंग के मदर टिंचर का यूज़ करना चाहिए। जो लोग बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द से पीड़ित होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवीनेस जिनके सिर में लगती है, खास तौर से शाम को ऑफिस से आने के बाद या दिन भर के काम करने के बाद जिनको थकान बहुत ज़्यादा लगती है और उसके कारण सिर में उनको बड़ी हैवीनेस आ जाती है और उनको फैमिली से फिर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को जिनसेंग का यूज़ करना चाहिए। यदि हम इसके आई के सिम्टम की बात करते हैं तो आँखों में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, सिर की हैवीनेस जैसी ही रहती है और ये भी दिन भर काम करने के बाद जो थकान होती है उसका एक साइड इफेक्ट होता है। तो जिनसेंग का यूज़ हमें उस कंडीशन में करना चाहिए। यदि हम इसके एब्डोमिन के सिम्टम्स की बात करते हैं तो एब्डोमिन में जिन लोगों को रंबलिंग साउंड आने की शिकायत होती है, यानी कि पेट में गड़गड़ाहट आने की आवाज़ होती है, गैस बनती है, गैस के साथ बुलबुले फूटने जैसी आवाज़ आती है, उन लोगों को जिनसेंग का यूज़ करना चाहिए। बेसिकली इनको ये जो प्रॉब्लम होती है वो इनडाइजेशन के कारण होती है। तो ये लोग जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो जिनसेंग का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है जिसके कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता रहा है, ना केवल आयुर्वेद में बल्कि होम्योपैथी में भी, तो उसकी मैं बात करूंगा और वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत होती है, यानी कि जिन लोगों को पेनिस में कड़कपन नहीं आता है, प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन हो जाता है यानी कि शीघ्र पतन हो जाता है, जिन लोगों को नाइट फॉल की शिकायत होती है यानी कि स्वप्न दोष की शिकायत होती है, उन लोगों को जितने भी सिम्टम्स हैं उन सब में जिनसेंग काम करती है। अब चाहे वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके मूड स्विंग के कारण हो रहा हो, चाहे आपकी थकान के कारण हो रहा हो, चाहे आपके मन में किसी डर के कारण हो रहा हो, इन सारे सिम्टम्स में जिनसेंग बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ देती है। इसके अलावा इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। बहुत समय से चाइना में इसकी चाय वगैरह बना के पी जाती रही है और उन लोगों की जो एज है, आपने देखा ही होगा कि चाइना और जापान के जो लोग हैं वो 100 साल से ज़्यादा बहुत सारे एरियाज में जिंदा रहते हैं। तो वो चाइना में जो इसका यूज़ किया जाता रहा वो चाय बनाने के रूप में किया जाता रहा, इसकी जड़ को पानी में उबाल के उसको पिया जाता रहा, उसमें 2-3 चीज़ें मिलाकर। तो इस तरह यदि हम देखें तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसकी बहुत ही अच्छी है और इसके साथ ही इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा ये होता है दोस्तों कि हमें लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं और हमारे शरीर में जो हानिकारक मेटाबोलाइट्स उत्पन्न हो गए होते हैं उनको ये खत्म कर देते हैं। तो जिनसेंग का उपयोग हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाती है, यानी कि हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो इनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, हर कभी उनको निमोनिया हो जाता है, हर कभी उनको खांसी होने लगती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, तब उस दौरान हमें जिनसेंग का यूज़ करना चाहिए। और जिनसेंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे शरीर में जाके हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही खास उपयोग देखा गया है दोस्तों, खास तौर से अमेरिका में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किए गए हैं और उसमें ये पता चला है कि ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है वो लोग अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके और यदि उनको मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताए हैं जिनसेंग के, यदि उनसे मिलते हैं तो उन लोगों को जिनसेंग का यूज़ जरूर करना चाहिए। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं दोस्तों तो हमें जिनसेंग का मदर टिंचर यूज़ करना है हमेशा और इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप गुनगुने पानी में यानी कि ल्यूक वार्म वाटर में मिलाकर हमें पीना चाहिए। तो जो भी सिम्टम्स हैं वो ओवरऑल तो खत्म करेगी ही, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो भी इसका सेवन कर सकता है 20 बूंद सुबह और 20 बूंद शाम को। सुबह और शाम केवल 2 बार इसका यूज़ करना है एक जनरल टॉनिक के रूप में, तो उसके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों
होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए।